हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हमारा मास्क देखकर पहचान गए होंगे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मास्क तो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम मास्क लगा के ही जाना चाहिए। तो हम जा रहे हैं आज बच्चों को घुमाने। बड़ी बिटिया और छोटी बिटिया दोनों का मन था कि हम आज बाहर थोड़ा सा घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो आज हम बच्चों के लिए जा रहे हैं बाहर, उनको घुमाएंगे। तो बच्चे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं। तो हम आप सब लोगों को लेके चलते हैं बाहर। आप सब लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए बिटिया दोनों तैयार हो गई हैं। ये देखिए दोनों बिटिया तैयार हो गई हैं। तो हम जा रहे हैं इनके साथ, हस्बैंड भी हमारे गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। तो हम लोग चलते हैं, आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम आपको पूरा दिखाएंगे कि हमने बाहर क्या क्या किया, क्या क्या खाया है। आयुष्मान हमारे नानी के घर पे हैं, तो आयुष्मान को हम लेके नहीं जा रहे हैं, हम बिटिया के साथ ही जाएंगे घूमने। तो आयुष्मान अभी नानी के घर से नहीं आए हैं, 2 दिन हो गया है, अब हम उनको कल मंगवा लेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो हम लोग निकल लिए हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितना पानी भरा हुआ है रोडों पे, बारिश का मौसम है। इस टाइम तो बारिश नहीं हो रही है, अभी 8:30 बजे हुए हैं रात के, तो इस टाइम अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा पहले बारिश हुई थी, 5-6 बजे के करीब बारिश हुई थी। तो देखिए पानी दिखाई दे रहा है, और ये रोडें हैं, रोडों पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, रोडें सन्नाटी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मौसम अच्छा है। घर में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, याद नहीं आया कि आज संडे है। संडे के दिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मार्केट बंद रहती है, और मुझे पता भी नहीं था। हम लोग आ गए तो यहाँ आके पता चल रहा है कि आज लॉकडाउन है, तो यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए हैं। हमारे घर के आसपास कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। तो हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, और देखिए यहाँ पर भी जो एक रेस्टोरेंट हमें खुला मिला हुआ है, वो भी बाहर से पूरी तरह से शटर गिरा हुआ है। हमें पता चल रहा था कि ये भी बंद है, लेकिन देखा गया तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, टेबल भी रखी हुई है जहाँ पे ये ऑर्डर ले रहे हैं। इनके पास कस्टमर को बिठा के खिलाने की कोई सुविधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो ये सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं और पैक करके दे रहे हैं कस्टमर को। तो यहीं पर हमने थोड़ा सा देखा आगे कि यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है कुल्फ़ी का, तो बिटिया का मन हुआ कि कुल्फ़ी खाने का। तो बिटिया देखिए पीछे, ये देखिए कुल्फ़ी का स्टॉल है, तो हमने ऑर्डर दे दिया है और बिटिया के लिए कुल्फ़ी ले रहे हैं। बिटिया कुल्फ़ी खाने को कह रही है, तो उनके लिए हम कुल्फ़ी लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुल्फ़ी है, टेस्टी कुल्फ़ी है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये हम बिटिया के लिए ले रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये दे रहे हैं सजा वजा के, ये ऊपर से सिवाई डाली जा रही हैं, और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है खुशबू आने के लिए। तो ये हमने कुल्फ़ी भी खरीद ली है, और बिटिया खा रही है तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन सामान मिल रहा है पर्दा डाल के। आज संडे का दिन है, लॉकडाउन है, तो बाहर से लगता है ऐसा देखने में कि दुकानें बंद हैं, लेकिन चोरी चोरी से दुकानें चल रही हैं। तो हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिल गया है खुला हुआ, और तो सब बंद था, तो हमने वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के लिए टिक्की वगैरह, चाउमीन वगैरह हमने पैक करवा लिया है। यहाँ पे खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, तो इसलिए हम पैक करा लेंगे और घर पे खाएंगे। तो अभी हमारा पूरा जो भी नाश्ता पानी है पैक हो रहा है, पैक होने के बाद हम लोग घर जाएंगे और फिर वहीं पे हम सब लोग खाएंगे। बारिश की वजह से रोडों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सन्नाटा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोडों पर पानी भरा हुआ है, तो रात होने की वजह से वीडियो भी क्लियर नहीं बन पा रही है। अभी हमारा खाना पैक हो रहा है, तो हम बाहर खड़े हैं रोड पे, तो हम थोड़ा सा बाहर का वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं,
और ये स्कूटी वगैरह जो हैं वो भी सब बाहर खड़ी हैं। और काउंटर पे देखिए खाना भी पैक हो चुका है, तो वो भी अपना पूरा फाइनल कर रहे हैं, ट्रे रख के दे रहे हैं, अच्छे से सजा वजा रहे हैं। तो खाना पैक हो गया है, इन्होंने पैक करने से पहले बोल दिया था कि खाना पैक होने में लगभग 30 मिनट लगेंगे, तो तब तक हम लोग गाड़ी पे बैठ के या गाड़ी से बाहर निकल के अपना टाइम पास करते रहे हैं। आधा घंटा हमारा निकल गया है, आधा घंटा होने वाला है, तो अब हमारा खाना पैक हो गया है। तो खाना पैक होने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे, तो थोड़ा सा पैक होने में टाइम लगा है, आधा घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए हम अभी रोड पर की ही वीडियो बना रहे हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है ये देखिए, तो ये सारा पानी बारिश का है। थोड़ी सी बारिश में ही आजकल की रोडें ख़राब हो जाती हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हस्बैंड हमारे लेके आ रहे हैं, हमारा जो खाना था पैक हो चुका है, तो अब ये लेके आ जाएंगे। हम लोग अब घर जाएंगे, 9:30 बज गए हैं। तो निकले थे थोड़ी दूर जाने के लिए, तो हम लोग टहलते टहलते काफ़ी दूर आ चुके हैं। वैसे तो हमारे घर के बगल में ही बहुत बढ़िया स्टॉल है, वहीं से हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आज संडे की वजह से आज हमें वो शॉप बंद मिली है, वहाँ पे आज सन्नाटा था बिल्कुल, तो हमें दूर आना पड़ा है। तो ये देखिए हमारा खाना पैक हो चुका है, और अब हम गाड़ी में बैठेंगे और अपने घर आएंगे। तो घर पे हम आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ से क्या लिया है, आपके साथ हम पूरा वीडियो शेयर करेंगे कि हम क्या लेके आए हैं, क्या क्या हमें पसंद है, क्या क्या बिटिया को पसंद है, हम पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और घर जा रहे हैं, बारिश भी होने वाली है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम घर पहुँचें, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को कहीं दुकान खुली नहीं मिली, एक जगह ही रेस्टोरेंट खुला था, तो वहीं पर हमने जो पैक कराया थोड़ा बहुत वो हम लोग पैक करा लाए हैं। तो बाहर तो कहीं जगह थी नहीं खाने वाने की, तो हम लोग घर पे खाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, रिलैक्स हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी बहुत लग रही थी, बारिश की गर्मी है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो साड़ी पहने थे तो बहुत ज़्यादा उलझन आ रही थी, तो हमने जल्दी जल्दी से साड़ी चेंज कर ली है। अब थोड़ा सा हमें आराम मिल गया है, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या लाए हैं मार्केट से। फ्रेंडशिप डे की खुशी में बिटिया का आज मन था कि वो बाहर जाएंगी और बाहर थोड़ा सा टहलेंगी, घूमेंगी और बाहर का खाना भी खाएंगी। तो बिटिया को घुमाने के लिए हम लोग बाहर आए थे, लेकिन हमारे जो बगल में स्टॉल लगते हैं आज पूरा बंद था, क्योंकि आज संडे था, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ गया। और काफ़ी समय हो गया, हमने घर पे खाना भी नहीं बनाया था, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम बाहर से खाना पैक करा के लाएंगे, लेकिन लेट होने की वजह से हमें घर के लिए खाना पैक करा के लाना पड़ा। तो देखिए हमने क्या क्या लिया है, हमने पनीर ली है, चिली पनीर है, ड्राई पनीर की सब्जी है, टिक्की है, फ्राइड राइस है, चाउमीन है और कबाब पराठे हैं। तो हमने बहुत सारा खाना पैक करा लिया वहाँ पर, जल्दी जल्दी में हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या चीज़ पैक करा रहे हैं और कितना हमें पैक कराना चाहिए था। तो थोड़ा थोड़ा करते करते खाना बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात यह है कि आज जो भी खाना आया है तो सबकी पसंद का आया है, सब लोगों को अलग अलग वैरायटी पसंद है, तो सब लोगों ने अपने अपने मन का खाना लिया है। जैसे कि छोटी बिटिया को पनीर की सब्जी पसंद है और बड़ी बिटिया को चाउमीन और फ्राइड राइस पसंद है, मुझे टिक्की पसंद है और इनके पापा को कबाब पराठा पसंद है। तो देखिए सबकी पसंद का खाना आया है, तो इसीलिए खाना ज़्यादा हो गया है। तो ये खाना बहुत ज़्यादा है, हम लोग सिर्फ 3-4 लोग खाने वाले हैं और खाना उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो ये खाना हमने पूरा ओपन किया है आपको दिखाने के लिए, हम इसमें से कुछ भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि खाना बड़े नसीब से मिलता है और खाने को हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ना ही हम वेस्ट करेंगे। आज हमने अपने डॉगी के लिए भी खाना नहीं बनाया है, तो जो भी खाना हमारा
बचेगा तो हमारा डॉगी खाएगा, हम खाने को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। छोटी बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की सब्ज़ी, वो ड्राई पनीर हो या चिली पनीर हो, जैसे भी हो, उसको पनीर बहुत पसंद है। पनीर के अलावा इसमें से वो कोई भी डिश नहीं छुएगी, उसको कोई भी डिश पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको पनीर की सब्ज़ी ही पसंद है। और बड़ी बिटिया को फ्राइड राइस और चाउमीन के सिवा कुछ नहीं चाहिए उसको, और उनके पापा को कबाब पराठा ही पसंद है, तो वो कबाब पराठा खाएंगे। और हमें टिक्की पसंद है, तो हमने अपने लिए टिक्की पैक करवा ली थी। टिक्की हमारी ठंडी हो गई है, लेट हो गया है, अगर ये टिक्की गरम गरम रहती है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन टिक्की का सारा स्वाद चला गया है क्योंकि टिक्की हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है।